इमरान सैफी मोटिवेशन और टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की, इस प्रोजेक्ट में क्या खास बातें हैं, जो ये प्रोजेक्ट जो तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, और इसका जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहने वाली जो गंगा नदी है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, इसकी ये विशेषता है। अब हम इसके बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की खास बात के बारे में बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पहले पैकेज में यह है एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह मध्य और पश्चिमी उत्तर के करीब 555 गांव को कवर करेगा, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एरिया गतिविधियों का एक हब है। ये इंडस्ट्री एरिया में भी डेवलप किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका, प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी यूपीडा ने कंस्ट्रक्शन लागत का अनुमान 23,436.88 करोड़ रुपए जताया है। इसमें भूमि अधिग्रहण की लागत 10 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,928 करोड़ रुपए है, ये इसकी लागत बताई गई है। अब हम बात करते हैं, यह ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने से दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय मौजूदा 10 से 11 घंटे से घटकर 6 से 7 घंटे रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट को एक साथ शुरू कराया जाए, इसके लिए 12 पैकेज में डिवाइड किया जाएगा। हर टेंडर का चयन प्रतिस्पर्धी बिल्डिंग के जरिए होगा। अब इसका जो प्रोजेक्ट है, 12 पैकेज में इसको बनाया जाएगा और इसको बिल्डिंग की तरह इसको जो है जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण जो है शुरू किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट है, इस एक्सप्रेसवे में 292 अंडरपास, 8 ROBS, 10 फ्लाईओवर और 19 इंटरचेंज और 137 ब्रिज बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मायावती सरकार ने 2007 में इस एक्सप्रेसवे को पहली बार प्रस्ताव रखा था। उस वक्त यह 1047 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 2009 में मिली पर्यावरण मंजूरियां खारिज हो जाने के बाद प्रोजेक्ट ठप हो गया। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक यह प्रोजेक्ट गंगा बेसिन में था, जिसे चलते यह प्रोजेक्ट अटक गया। गंगा के पास होने के कारण जो है इसको प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। इससे सबक लेते हुए योगी सरकार ने प्रोजेक्ट पर रिवर्क किया और गंगा नदी के तट से 10 किलोमीटर दूर से एक्सप्रेसवे को ले जाने का फैसला किया। ये है गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की विशेषताएं। गंगा एक्सप्रेसवे योगी जब मोदी तुम्हारी सरकार थी मायावती की, जब इस प्रोजेक्ट का निर्माण होना था, लेकिन इसको हाई कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया था, लेकिन योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के 10 किलोमीटर आउट करके इसको निकाला जाएगा। यह है गंगा एक्सप्रेसवे की विशेषताएं जो मैंने आज आपको बताई है, और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है जल्द से जल्द